मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, संत शिरोमणि सदगुरु कबीर पार्थिव धाम एवं जड़ चेतन ज्ञानबोध महायज्ञ का आज आखिरी दिन है। जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान गुण न हो, जो न अपने को जानता हो और न दूसरों को जानता हो, उसे जड़ कहते हैं। इसके विपरीत जिसमें ज्ञान गुण हो, ज्ञान धर्म हो, जो अपने को भी जानता हो और दूसरे को भी जानता हो, जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती हो, उसे चेतन कहते हैं। जड़ और चेतन दोनों एक दूसरे से सर्वथा अलग अलग हैं। न जड़ से चेतन बना है और न चेतन से जड़ बना है। दोनों अनादि अनंत हैं, आदि उत्पत्ति रहित और अनंत काल तक रहने वाले हैं। जड़ तत्वों में मूल रूप से मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार जड़ तत्व हैं और इनसे सर्वथा भिन्न असंख्य चेतन हैं। उस चेतन को हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं। अनेक भाषा में उसके अनेक नाम हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम जड़ और चेतन दोनों के भेद को समझें और समझकर जड़ की आसक्ति को त्याग कर अपने आप चेतन स्वरूप में स्थित हों। यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। जड़ का भी बोध हो और चेतन का भी बोध हो, क्योंकि जब तक जड़ का बोध नहीं होगा, जड़ किसे कहते हैं इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक उससे छुटकारा नहीं होगा। और जो चेतन है, अपने को जानने वाला, उसका बोध नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसमें स्थिति नहीं होगी। हमें दुख का अनुभव होता है, हर मनुष्य दुख का अनुभव करता है। दुख कहां से आता है, कैसे आता है, दुख का कारण क्या है? जो अपना नहीं है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, उसमें हमारा मोह है, हमारी आसक्ति है, उसे हम अपना बनाना चाहते हैं, यही हमारे दुख और पीड़ा का कारण है। शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है और जिसको देख करके हम रिझते हैं और खींचते हैं, जिनके लिए हमारे मन में राग और द्वेष बनते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। ये शरीर, जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, एड़ी से चोटी तक एक काया दिखाई पड़ रही है, जिसे हम मैं कहते हैं, यह जड़ है। लेकिन स्वाभाविक रूप से किसी से पूछो कि तुम कौन हो, तो वह यही कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक मनुष्य हूं।
फिर पूछा जाता है तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो वह कहता है एड़ी से चोटी तक यह काया जो दिखाई पड़ रही है यही मेरा स्वरूप है। तो प्रश्न यह है, एक दिन यह शरीर नहीं था, जन्म के पहले हमारे शरीर कहां था? तो क्या जन्म के पहले हमारा अस्तित्व नहीं था, जन्म के बाद ही हम अस्तित्व में आए हैं? और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है आज सामने बैठा है यह नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या शरीर के न रहने पर, शरीर के मिट जाने पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम सदैव के लिए मिट जाएंगे? जो नहीं है वो आएगा कहां से, और जो है वो मिटेगा कैसे? यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि दुनिया में जितने कण हैं, जितने पदार्थ हैं, उतने ही रहेंगे, एक नया कण बनेगा नहीं और एक कण का विनाश होगा नहीं, खाली रूप बदलेगा। तो जब शरीर ही हमारा स्वरूप है तो इस जन्म के पहले हम कहां थे फिर? क्या शरीर के साथ हमारा निर्माण हुआ? ऐसा नहीं है। जब ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, किस रूप में थे कह नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता। शरीर जब नहीं रहेगा तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा, किस रूप में रहेगा बता नहीं सकते। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। गीता में महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणियों का आदि अव्यक्त है, अंत अव्यक्त है, बीच में ही व्यक्त है, बीच ही दिखाई पड़ता है, और उसके लिए क्या शोक क्या मुंह। प्रश्न यह है कि जब शरीर नहीं था, हम नहीं थे, तो आए कहां से, और आ गए हैं तो जाएंगे कहां? शरीर के पहले हमारा अस्तित्व था, हम थे, और शरीर जब नहीं रहेगा तो भी हम रहेंगे, किस रूप में रहेंगे कहा नहीं जा सकता। प्रश्न हो सकता है जब ये शरीर नहीं रहेगा हम रहेंगे, किस रूप में रहेंगे दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, तो उस पर विश्वास कैसे करें, कैसे माने कि उसका अस्तित्व है? हम यहां बैठे हैं, मान लो गर्मी का समय है, जमीन सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से एकदम तप रही है, पानी का एक बूंद गिरा और गिरते ही सूख गया। हमने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि पानी का एक बूंद गिरा और ये सूख गया, तो ये बताओ इस पानी में के बूंद में लगे हुए जो परमाणु थे वे कहां गए? क्या कोई बता सकता है? जो पानी अभी गिरा और सूख गया उसके परमाणु कहां कहां गए और किस किस में लगे, क्या कोई बताने वाला है दुनिया में? कोई बताने वाला नहीं है। पानी का एक बूंद भी नष्ट नहीं होता है, उसका अस्तित्व रहता है, किस रूप में है बताया नहीं जा सकता। तो जब पानी जो विकारी है, जड़ है, उसका नाश नहीं होता, तो चेतन का नाश कैसे हो जाएगा? चेतन तो अविनाशी है, अजर अमर है, उसका नाश कैसे होगा? इसलिए ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम शरीर नहीं है, किंतु अनादिकालीन कर्म संस्कार और वासना के वश हम इस शरीर में आ गए हैं। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में हमारा निवास हो रहा है।
प्रारब्ध खत्म होते ही इस शरीर से जीव निकल करके चला जाएगा, और जब जीव निकल करके चला जाएगा तो शरीर की कोई कीमत नहीं होगी। जब तक शरीर में जीव है तब तक शरीर की कीमत है, जब तक शरीर में जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पत्नी पत्नी है, पति पति है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। और जैसे ही शरीर से जीव निकल गया तब माँ माँ नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहते, गुरु गुरु नहीं रहते, शिष्य शिष्य नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता। कहते भैया अब मिट्टी पड़ी है। जीव के रहने पर इस शरीर की कीमत है, लेकिन हमारी ऐसी दृष्टि हो गई है अनादिकाल से शरीर में रहते रहते कि शरीर से ऊपर उठकर जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसे हम पहचानने का प्रयास नहीं करते। शरीर केंद्रीय दृष्टि है, सुबह से लेकर शाम तक हम शरीर को ही नहलाने खिलाने पिलाने और संवारने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। कभी एकांत में बैठकर इस बात पर विचार नहीं करते कि आखिर ये शरीर चल कैसे रहा है, इसको चलाने वाला कौन है, किसकी सत्ता से शरीर चल रहा है और किसके न रहने पर शरीर समाप्त तो हो जाएगा। वह कौन है जो ये कहता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आऊंगा मैं जाऊंगा, मैं इस बात को मानूंगा मैं इस बात को नहीं मानूंगा, कौन कहता है? क्या शरीर कह रहा है? शरीर में तो जानने का गुण नहीं है, और शरीर रोज रोज बदल रहा है। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण पूरे के पूरे बदल जाते हैं। यदि कोई 50 साल का व्यक्ति है तो उसका शरीर 7 बार बदल चुका है, लेकिन 50 वर्ष के व्यक्ति को 45 साल पहले की बात याद रहती है। शरीर तो 7 बार बदल गया तो अब बदला हुआ शरीर 45 साल पहले की बात को याद कैसे रखता है? इसका मतलब यह है कि शरीर भले बदल रहा है लेकिन शरीर में रहने वाला कोई ऐसा तत्व है जो एकरत है, शाश्वत है, नित्य है और अपरिवर्तित है। उसी को हम जीव कहते हैं, उसी को हम चेतन कहते हैं। अब चेतन हम हैं। अपने आप को न जानने के कारण, स्वरूप का बोध न होने के कारण यह चेतन जीव बाहर अपना आधार खोजता है, बाहर सुख का केंद्र खोजता है, और बाहर जितना सुख का केंद्र खोजता है उतना ही वह भटकता चला जाता है। सुख का केंद्र आदमी 2 जगह मानता है, या तो दुनिया के विषय भोगों में, या अलग कहीं भगवान भगवती में। पहला सुख का केंद्र आदमी दुनिया में मानता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं। आंख नाक कान जीभ त्वचा से इन 5 विषयों का ग्रहण होता है। और इन 5ों विषयों को ग्रहण करते करते अनादिकाल का समय बीत गया, आज तक इनसे तृप्ति हुई नहीं। यदि दुनिया के भोगों में सुख होता तो आज तक हम तृप्त हो गए होते। भोगों में केवल सुख का भ्रम होता है, आभात होता है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में हिरण को पानी का भ्रम होता है। आप तो रहते हैं नेपाल में, यहां इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, और यहां कोई ऐसे मैदानी और रेगिस्तानी जगह भी नहीं है। भारत में गर्मी दिनों में तो प्रचंड गर्मी पड़ती है,
हम जिस इलाहाबाद में रहते हैं वहां भी कभी कभी 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि 48 डिग्री में रहेंगे कैसे। और राजस्थान के मरुस्थली इलाका में तो और गर्मी पड़ती है। तो जब सूरज की गर्मी पड़ती है दोपहर में तो दूर से ऐसा लगता है कि पानी का सागर भरा हुआ है, जमीन बालू चमकती है, ऐसा लगता है कि पानी का सागर लहरा रहा है। प्यासा हिरन सोचता है कि सामने पानी का सागर लहरा रहा है, प्यास बुझाने के लिए वो दौड़ता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, केवल धूप की लहरें होती है, धूप की किरणें होती है। जितना है आगे हिरन दौड़ता है, लगता है कि सागर आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हिरन दौड़ता जाता है और अंत में प्यास से व्याकुल होकर हिरन तड़प करके गिरता है और वही उसकी मौत हो जाती है। धूप की लहरियों में पानी नहीं होता है, हिरन को केवल ऐसे भ्रम होता है। ऐसे ही दुनिया के भोगों में सुख कहीं है नहीं, सुख का हमें भ्रम है और हम निरंतर दौड़ते जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते एक दिन व्याकुल होते हैं, थकते हैं, मर जाते हैं, अतृप्त और प्यासा होकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। दुनिया के भोगों में सुख का केवल आभास होता है, सुख वहां है नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि दुनिया के अमुक भोग में सुख है, केवल कल्पना है, भ्रम है। जिसकी जहां आदत हो जाती है, जिसके मन में जिसके लिए प्रेम हो जाता है, वहां उसे सुख का भ्रम होता है। जैसे पानी सबके लिए शीतल होता है, दुनिया के किसी कोने में रहने वाला आदमी हो, पानी सबके लिए शीतल होता है, आग सबके लिए गर्म होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि नेपाल में रहने वालों के लिए आग गर्म होती है और अमेरिका में रहने वालों के लिए आग ठंडी होती है। भारत में रहने वालों के लिए पानी शीतल होता है और इंग्लैंड में रहने वालों के लिए पानी गर्म होता है, ऐसा नहीं है। पानी दुनिया के हर आदमी के लिए गर्म शीतल है और आग दुनिया के हर आदमी के लिए गर्म है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई चीज जो दुनिया के हर आदमी के लिए सुखदायी हो? आप नहीं बता सकोगे। एक आदमी जिसमें सुख मानता है, जिसके बिना रह नहीं पाता, दूसरा आदमी उसमें दुख मानता है और उसके मिल जाने पर बहुत व्याकुल हो जाता है। मान्यता अपनी अपनी, इसलिए केवल सुख का भ्रम होता है। और भोगों में जो सुख का भ्रम होता है केवल मान्यता के कारण। और उसमें भी क्यों होता है? जब अपना मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है, मन थोड़े निश्चिंत होता है, तब सुख का भ्रम होता है। यदि मन में तनाव है, मन में चिंता है, मन में भय है और व्याकुलता है, तो बड़े से बड़े भोग में सुख का अनुभव या सुख नहीं होगा। मान लो एक आदमी है, वह कहता है कि मुझे मिठाई खाने में बड़ा आनंद आता है, मिठाई में मेरे लिए बड़ा सुख है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब उसके सामने हम 5 किलो मिठाई रख दिए, लो भाई ये मिठाई है, जितना तुम खा सकते हो उतनी मिठाई खाओ। वह देखता है कि 5 किलो मिठाई सामने है, बड़ा आनंदित हो गया। अब वो सोचता है पेट भर करके छक कर मिठाई खाऊंगा और बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही वह मिठाई खाना शुरू करता है, किसी ने आकर के कहा तेरा बेटा कुआं में गिर गया, अब मिठाई में आनंद आएगा? अब मिठाई का आनंद गायब। क्यों? क्योंकि भय हो गया, चिंता हो गई, मन व्याकुल हो गया, अब मिठाई में आनंद नहीं आएगा। फिर भी कोई कहता है नहीं, तुम्हें मिठाई खानी ही पड़ेगी, यदि मिठाई नहीं खाओगे तो 5 डंडे पड़ेंगे, अब मिठाई में दुख आ जाएगा। वही मिठाई, अब सुख नहीं होगा उसमें, दुख होगा।
तो जब मन एकाग्र रहता है, चिंता रहित रहता है, भय रहित रहता है, तब किसी भोग में सुख की कल्पना होती है, सुख का आभास होता है, सुख है नहीं। यदि दुनिया के भोगों में सुख होता तो अनादिकाल से हम सब के सब दुनिया के पीछे दौड़ते आ रहे हैं, आज तक तृप्त तो हो गए होते, लेकिन ऐसा कहां हुआ। तो ये जो भोगों का सुख, दुनिया के विषयों का जो सुख है, यही हमारे गले की फांसी है, यही हमारे दुख का कारण है। लेकिन आदतवश तो दुनिया के भोगों में हम सुख खोजते हैं, और जितना सुख खोजते हैं उतना ही भटकते चले जाते हैं, तृष्णा हमारी बढ़ जाती है, भोगों को भोगते भोगते जीवन समाप्त हो जाता है, तृष्णा शांत नहीं होती। भोगा न भुक्ता वय में वो भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा, ये भर्तृ जी कहते हैं। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग डाला, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मेरा शरीर ही जीर्ण हो गया। इसलिए बाहर न भटके, बाहर भटक करके केवल चंचलता मिलेगी, अशांति मिलेगी और पीड़ा मिलेगी। बाहर से लौट कर अपनी तरफ आए, अपने आप को जाने, और अपने आप को जानकर जो हमारी दृष्टि बाहर दौड़ रही है उसको अंतर्मुख करें। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो प्राप्तव्य है, हमारा जो परमात्मा है, वो हमसे अलग नहीं है। सद्गुरु कबीर तो कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, जड़ वह है जो ना अपने को जानता है और ना दूसरे को जानता है, जिसमें ज्ञान गुण नहीं है, जो विकारी है, परिवर्तनशील है। चेतन वह है जिसमें ज्ञान गुण है, जो अपने को जानता है और दूसरे को भी जानता है, जो एकरत है, अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है। हम जड़ नहीं है, चेतन है। हमारा शरीर जड़ है लेकिन हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं, शरीर में रहकर शरीर को जानने वाले, मानने वाले और संचालित करने वाले हैं। इसलिए जड़ शरीर का मुंह त्यागें और बाहर से अपनी दृष्टि समेट कर, अपने मन को समेट कर आत्मकेंद्रित करें। जब तक हमारी दृष्टि आत्मकेंद्रित नहीं होगी, जब तक शरीर संसार का मुंह मिटेगा नहीं और हम अपने आप में स्थित नहीं होंगे, कहीं भी चले जाएं, कितना भी भटक लें और कुछ भी पा जाएं, हमारा दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करने का, शाश्वत शांति का, अमरता का एक ही रास्ता है, अपने चेतन स्वरूप से भिन्न जो कुछ है सबके मोह, आसक्ति, राग का त्याग, और सबसे अनासक्त होकर, सारी कल्पना भ्रांति को छोड़कर अपने आप में चेतन स्वरूप में अनुराग, उसमें स्थिति। सद्गुरु कबीर हमें इसी का संदेश देते हैं, और सद्गुरु कबीर ही नहीं, दुनिया में जितने अध्यात्म के संत हुए हैं उन सबने यही संदेश दिया है। उनके संदेश को हम समझें, समझकर जीवन में आचरण करें, और इसी जीवन में पूर्ण दुख मुक्त होने के लिए सेवा साधना के पथ पर चलें।